रुख करवाता हूं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि हाल ही में 3 जून को हिंसा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली थी जुम्मे की नमाज के बाद में। लेकिन आज एक बार फिर से शुक्रवार है और आज भी जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक बार फिर जुम्मे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी और हिंसा देखने को मिल रही है। सहारनपुर और प्रयागराज ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज जुम्मे की नमाज के बाद में हिंसा भड़कती हुई नजर आई है, अल्लाह अकबर के नारे गूंजते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी देखने को मिली है। और इसी को लेकर के पुलिस कर्मियों को अपनी गन हवा के अंदर फायर भी करनी पड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब किस हद तक माहौल बिगड़ता हुआ जा रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ड्रोन तक की सहायता से छतों के ऊपर पत्थर देखने की बात कही थी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद में पुलिस को तैनात किया गया था, लेकिन वो पूरी कार्यप्रणाली इस बार फिर से फेल होती हुई नजर आई है। तो अब हिंसा लगातार ही बढ़ती हुई जा रही है और इस हिंसा को लेकर के अभी क्या कुछ नई अपडेट से सामने आ रही है, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जून को हुए दंगे के बाद में आज शुक्रवार को जुम्मे की पहली नमाज हो रही। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है, हालांकि इसके बाद भी यूपी के 3 शहरों से नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। प्रयागराज में नमाज के बाद में भीड़ ने प्रोटेस्ट किया और जमकर के पत्थरबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक भी उठानी पड़ी है, सड़कों पर धुआं भी उठ रहा है। तो वहीं सहारनपुर के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद में अल्लाह अकबर के नारे लगते हुए नजर आए हैं। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिरा दिए गए। इसके बाद यहां पर पथराव भी किया गया। देवबंद में भी मुस्लिम बाजार और दुकानें बंद रही हैं। मस्जिद रशीदिया पर जुर्म, जुमा की नमाज के बाद में अचानक कुछ मदरसा छात्रों ने नारेबाजी की और उनके हाथ में बैनर पोस्टर भी दिखाई दिए हैं। मामला बढ़ता हुआ देख करके पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई और पुलिस ने मदरसा छात्रों के जमावड़े को लाठियां फटकार करके वहां से भगा दिया है। भाजपा नेता नुपुर शर्मा की जबान काट करके लाने वाले को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा करने वाले सतपाल धवन के खिलाफ में कानपुर कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया। भीम सेना प्रमुख सतपाल ने यह आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वादी के अधिवक्ता विजय बख्शी ने बताया कि कोर्ट ने मामला अपने यहाँ दर्ज कर लिया है और अगली सुनवाई 24 जून को होगी और उसी दिन वादी के बयान दर्ज होंगे। प्रयागराज में घरों से मुस्लिम पर पथराव भी किया गया। पुलिस भी जवाब में फेंके जा रहे पत्थरों को उठा करके फेंक रही है। सहारनपुर में भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी भी की और अब कंट्रोल में चीज़ें आती हुई नजर आ रही हैं।